कोनशिवा गाइस, कैसे आप सब। कुरकुस बास्केटबॉल के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 17 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, एपिसोड नंबर 17 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे करके कुरुको और अपना जो अवमीन है वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो मोमोई होती है वो अपने अवमीन को रोक रही होती है और बोल रही होती है उधर मत जाओ, वो जो गोट है उधर भूत खेलते हैं रात को, तो उधर मत जाओ। और वहीं पे जैसे ही अपना अवमीन वहां जाता है उसको मना करके कि मैं तो जा रहा हूं भाई, मेरे को भूत भूत से डर नहीं लगता। जैसे ही वो जाता है उसको कुछ तो आवाज़ सुनाई देता है, और जैसे ही वो एंटर करते देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं और उसको आवाज़ तो सुनाई दे रहा था खेलने का, तभी वो डर जाता है। और फिर अचानक से पीछे अपना जो कुरको होता है वो आता है और बोलता है हेलो, और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से डर जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ कब से थे। और वो बताता है कि देखो मैं यहाँ खेल तो रहा था मगर किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। और फिर ऐसे ही करके उनका बातचीत आगे बढ़ता है जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वो लोग कौन से पोजिशन पर हैं। और फिर उसके बाद उनको मन करते हैं कि भाई हम लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ पर कि अपना जो कुरको होता है वो सबसे पहले उसके पास बॉल आता है और वहीं पे अवमीन उसको डिफेंस कर रहा होता है। वहीं पे जो कुरको होता है वो बोल रहा होता है अपने आप को प्रिपेयर कर लो, और वहीं पे जैसे ही अपना जो कुरको होता है वो बॉल लेके आगे बढ़ता है तभी वो उससे आगे तो बढ़ जाता है मगर तुरंत उसके पैर पर बॉल लग के टकरा के आगे निकल जाता है। और वहीं पर वो बोलता है आउच, और फिर अपना जो अवमीन होता है वो उसको गुस्सा कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम तो इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रिपेयर योर सेल्फ और यहीं पर तुम इतनी जल्दी मतलब तुम्हारे पैर पर लग गया, उससे तुम्हें दर्द भी हो गया। और फिर उसके बाद अपना जो अवमीन होता है वो आता है, उसकी बारी होती है, और वहीं पर अपना जो अवमीन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कटा रहा होता है मगर कटाते वक्त जैसे ही बॉल इधर उधर लेके घूम रहा होता है वो अपना जो कुरुको होता है वो भी उसको काफ़ी आराम से चेस कर लेता है, मगर जैसे तैसे करके अपना जो अवमीन होता है उसे कटा के बास्केट कर देता है। और दोनों को एक दूसरे का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जो अपना अवमीन और कुरुको होता है वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाते हैं और वो जो जिम होता है वो बंद कर देते हैं। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है अपना जो अवमीन होता है वो कुछ बर्गर वर्गर खाने गया होता है। वहीं पर जैसे वो बाहर आता है तो उसका जो गेट होता है वो बार बार बंद नहीं हो रहा होता, मतलब खुल जा रहा होता है। और वहीं पर अपना जो कुरुको होता है वो उसकी मदद करता है, और उसको अचानक देख के अपना जो अवमीन होता है वो दोबारा से डर जाता है। और अपना जो कुरुको होता है वो बोलता है कितनी ये जो दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है ना, हम लोग दोबारा मिल गए। और फिर उसके बाद जो अपना अवमीन होता है कुरुको को एक बर्गर देता है खाने के लिए और बोलता है क्या तुम्हारा घर इस तरफ है, और वहीं पे वो बताता है हाँ। तो वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे, वॉक करना पसंद करोगे। तो कुरुको बोलता है दोनों हाथ में एक एक चीज़ है तो हम वॉक कैसे करेंगे। और वहीं पे तभी वो लोग ग्राउंड जाते हैं, वहाँ जाके मस्त खा रहे होते हैं और साथ ही साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि अपना जो कुरुको होता है वो बताता है कि मैं जो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूँ, अपनी स्किल से डेवलप कर सकूँ। और वहीं पे जो अवमीन होता है वो उससे पूछता है अच्छा जो तुमने उस टाइम वो किया था, मतलब मेरे को पकड़ रहे थे बार बार जो मैं फेक किया था उसको दोबारा जज कर ले रहे थे, तो वो कैसे किया तुमने। और वहीं पे वो बोलते हैं आई गेस कि ये एक मेरा लक था क्योंकि मैं बस थोड़ा बहुत टुक्का मारा था कि हाँ तुम इस तरफ फेक करोगे तो मैं भी वैसे ही करने लगा। और वहीं पे अपना अवमीन अपने मन में सोचता है वो फेक तो नहीं था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो कुरको होता है वो साफ सफाई कर रहा होता है स्कूल में, और वहीं पर अवमीन आता है उसको और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो। और वहीं पर कुरको बोलता है, तभी जो मीडरमा होता है वो वहाँ आ जाता है और उसको जो नेट होता है उसमें फंसा के ले जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे साफ सफाई से भाग नहीं सकते, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और वहीं पे उसके बाद जो कुरको होता है वो बताता है कि किसी ने भी नहीं सोचा था अवमीन और मैं दोस्त बन सकते हैं क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। और वहीं पर अपना जो कुरको होता है कोर्ट में होता है और जो बॉल होता है वो ड्रिबल करने की कोशिश करता है मगर वो अवमीन जैसा नहीं कर पाता, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और वहीं पर तभी अवमीन आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, और वहीं पर वो बताता है तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो और इस बात से मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। और वहीं पे जो अवमीन होता है वो बोलता है अरे तुम इतना अच्छा खेलते हो मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा अमेजिंग हो और तुम मेरी बात कर रहे हो। और वहीं पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है हम दोनों एक ना एक दिन एक साथ कोर्ट में ज़रूर खेलेंगे। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दिनों के बीच में अपना जो कुरको होता है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनता है अपने अवमीन के बारे में, वो कैसे करके मैच में बास्केट करता है और बाकी सब। और वहीं पे एक दिन अपना जो अवमीन होता है वो बास्केट मतलब ड्रिबल कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने कोर्ट पे, जहाँ पे कि तभी अपना कुरको आते हैं अपना मुंह लटका के, और वहीं पे अपना जो अवमीन होता है वो उससे पूछते हैं क्या हुआ तुम ऐसे उदास क्यों हो। और वहीं पे कुरको बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये गेम छोड़ दूँ, मेरे को क्विट करने का मन कर रहा है। तभी अवमीन पूछते हैं मगर क्यों, वहीं पे कुरको बताता है देखो मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ मैं कभी भी तुम्हारे जितना नहीं बन सकता, तुम्हारे जैसा नहीं खेल सकता कभी भी, और वैसे भी मैं मेरे स्कूल की टीम में इतने सारे प्लेयर्स हैं मेरे से भी अच्छे अच्छे खेलने वाले हैं, तो तुम खुद बताओ वो लोग उनको चूज करेंगे मुझे चूज करेंगे। और वहीं पे अवमीन बोलता है देखो अच्छा बुरा प्लेयर से कोई भी मतलब नहीं है, बस मैटर करता है कि तुम कितना
एफर्ट डाल रहे हो इस पूरे गेम में, और वहीं पे तुमसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। तुम कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अकेले वहीं पे, उसी उसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई मुझे भी प्रैक्टिस करना चाहिए और ज़्यादा, और तुम मुझे इंस्पायर करते हो। तुम ऐसे क्विट करोगे तो मतलब कैसा अजीब लगेगा मेरे को। और मैं बता देता हूँ, तुम्हारा जो फायर है इस गेम को लेके वो सबसे ज़्यादा है यहाँ के सारे प्लेयर से। तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो मगर क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो तुम करते रहो, बाकी सारे प्लेयर से तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और फिर उसके बाद जो अपने बाकी जनरेशन और मेडिकल वाले होते हैं वो भी उस जिम में आ जाते हैं, जहाँ पे एक वो लोग पूछते हैं अमीने से तुम यहाँ क्या करो। वहीं पे अमीने बताते हैं बाकी जितने भी जिम है वहाँ सब लोग बहुत सारे भीड़ हैं, यही सबसे ज़्यादा खाली है, तो मैं यहाँ पे आ गया। और वहीं वो लोग पूछते हैं ये कौन है, और अपना अमीने बताता है ये टेत्सुओ कुरुको है, इसी के साथ मैं बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। अच्छा तो ये हमारी टीम में है क्या? वहीं पे अमीने बताया नहीं नहीं ये हमारी टीम में, ये थर्ड स्ट्रिंग में। और जो मुरासाकी 12 होता है वो बोलता है वॉट एवर, मगर जो अपना आकाशी होता है वो बोलता है नहीं रुको, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो हम लोग से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, हटके है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसको हमारी टीम में होना चाहिए। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो अपना कुरुको और जो अमीने होते हैं उनका पहला विंटर का गेम होता है, जहाँ पे वो एक साथ गेम खेलते हैं। और वहीं पे उसका अपना जो हिडन टैलेंट होता है मिस डायरेक्शन, वैनिशिंग ड्राइव, ये सब भाई वैनिशिंग ड्राइव तो बाद में निकला था, मगर जो उसका मिस डायरेक्शन होता है उसकी मदद से वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और बड़े आराम से गेम जीत जाते हैं। और जो अपना आकाशी है उसने उसका सारा टैलेंट निकालने में मदद की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले, मगर एक मैच के बाद अपना जो अमीने होता है वो सारा प्रैक्टिस छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे जो अपना अमीने होता है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खेलता है और अकेले 80 पॉइंट्स कर देता है, जहाँ पे कि दूसरी अपोनेंट टीम होती है वो लोग बोल रहे थे भाई ये कैसा मॉन्स्टर है, ये सब कुछ अकेले ही कर लेता है, हम तो खेल ही नहीं पाएंगे। और जिसकी वजह से अपना जो अमीने होता है इस गेम में इंटरेस्ट लूज कर देता है, वो अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाता, और वहीं पे अब वो प्रैक्टिस स्किप करने लगा। धीरे धीरे क्या होता है, जो कुरुको होता है वो भी प्रैक्टिस स्किप कर देता है और बोलता है अब वो भी नहीं आएगा। वहीं पे एक दिन अपना कुरुको अपने अमीने के पास आता है और बोलता है क्या मेरे साथ तुम वॉक करने चलोगे, और वहीं पे वो बोलता है अच्छा चलो प्रैक्टिस तो करना ही नहीं हमें, तो चलो साथ में। और फिर उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना अमीने और कुरुको वॉक पे आते हैं, जहाँ पे कि अपना कुरुको अमीने से पूछता है तुम प्रैक्टिस स्किप क्यों करते रहते हो। वहीं पे जो अपना अमीने होता है वो बताता है कि देखो मैं जितना ज़्यादा अपना इफेक्ट डालता हूँ, जितना ज़्यादा हार्ड खेलता हूँ, उतना ज़्यादा मेरे लिए ये गेम बोरिंग होता जा रहा है। और वहीं पे अब देखो मैं आगे जितने भी गेम है उसमें भी शायद प्रैक्टिस क्लियर ना हो, साथ साथ मैच भी ना खेलूं, तो मे बी मैं नहीं आ सकता अब। और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो उसके मतलब टी शर्ट के अंदर आइसक्रीम डाल देता है, और वो बोलता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग की वजह से मेरे को भी खेलने का मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि भाई मुझे और ज़्यादा बेहतर बनना है ये सबसे। और वहीं पे वो लोग मतलब थोड़ा बहुत बात बात करते हैं, और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो अपने जनरेशन ऑफ मेडिकल वाले होते हैं वो लोग गेम खेल होते हैं, जहाँ पे कि उनकी जो अपोनेंट टीम होती है वो लोग तो भाई टिक ही नहीं पा रहे होते, वो लोग बास्केट के ऊपर बास्केट किए जा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद टाइम आउट हो जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग वापस बेंच पे आ जाते हैं, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं अपने कुरुको को अंदर डालेंगे और जो अपना कीस है वो बाहर बैठेगा। वहीं पे सभी लोग वापस कोर्ट पे चले जाते हैं, मगर अपना मिडरमा नहीं जाता, और कीस है बोलते तुम्हें जाना नहीं है क्या? वहीं पे बोलते तो तुमको क्यों नहीं जाना, तुम भी चलो साथ में। वो बोलते अरे तुम सुन नहीं रहते क्या, मैं कुरुको के बदले यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब वो बोलते अच्छा सॉरी मैं सुन नहीं रहा था। और जैसे ही वो वापस अंदर जाता है, अपने जो आकाशी होता है वो कुरुको को बोलता है तुम जितना पास हो सकता है वो सारा अपने अमीने को करो। वहीं पे जो गेम में अपना जो कुरुको होता है वो सारा का सारा पास अपने अमीने को कर रहा होता है, जहाँ पे कि अपना अमीने काफ़ी अच्छे तरीके से बास्केट किए जा रहा होता है। मगर एक टाइम आता है जब अपना अमीने बॉल लेता है और आगे बढ़ रहा होता है, मगर उसके सामने एक बंदा होता है उसको रोकने के लिए, मगर वो सिंपली खड़ा रहता है, वो कुछ करता नहीं है, और अपना अमीने एकदम आराम से मतलब बिना कटाए वो आराम से निकल लेता है, वो कुछ करता भी नहीं है। वहीं पे वो बोलता है सिर्फ तुम अपने अकेले खेलते रहते हो, और ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और वो सोचता है भाई ये लोग थोड़ा सा एफर्ट कर डाल रहा हूँ, ये लोग गेम खेलना ही छोड़ दिए क्या, ऐसा फील मुझे बिल्कुल भी चाहिए, पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है गेम खेलने का। वहीं पे वो बास्केट करके वापस आ रहा होता है कोर्ट में, तभी अपना कुरुको उसको मतलब जो पंच होते हैं एक दूसरे को करते हैं वो लोग बार बार, वो नहीं करता और बोलता है कि ये सब कोई भी काम का नहीं है, मेरे को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ, और वहीं पर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद जो जनरेशन ऑफ मेडिकल वाले के स्कूल होते हैं उनके साथ किसी और टीम का मैच होता है, ऐसी फ्रेंडली मैच होता है जहाँ पे कि वो सब लोग तो हो जाता है, मगर उसके बाद एक दिन अपना जो अमीने होता है वो कॉरिडोर पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पे सोइची आ जाता है और वो बताता है कि ए तुम अमीने हो ना, और वो बोलता है हाँ तो क्या हो गया। वहीं पे वो बताता है देखो मैं ऐसे ऐसे खेलने आया था, तो मैं बस चाहता था कि तुम जैसा प्लेयर जो इतना अच्छा खेलता है तो मैं तुमको अपनी आंखों से देखूं। और वहीं पे वो बोलता है अब दे
देख लिया ना, अब यहाँ से जाओ। और वहीं पे वो बताता है कि देखो तुम, मैं देखा है तुम्हारी जितने भी गेम खेलते हो, मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, मगर वहीं पे मुझे वो सब देख के पता चला है कि तुम कितना ज़्यादा अच्छा खेलते हो, मगर साथ ही साथ तुम्हारे दिल के अंदर एक फीलिंग होता है कि काश मैं ये वाला गेम हार जाऊँ। और वहीं पर ये सब चीज़ें जो है एकदम सच होती है। और अपना आओ मैंने काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ये सब सुन के। और वहीं पर सोची बोलता है, बस तुम मेरे स्कूल वालों से दूर रहना, ठीक है, हमारी टीम वैसा मदद तुम्हें दिला सकती है जैसा तुम्हें चाहिए। और वहीं पे अपना जो आउमीन होता है वो बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाय लग रहे हो, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा ज़रूर। और दोस्तों वहीं पे ये वाला जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट से कम ज़रूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।